The topic we are going to discuss today are preload, afterload and Frank Starling law. So basically, starting with preload, what is preload? It is just the degree of the tension on the muscle just before the contraction start. Muscle ke contraction start hone ke just before jo tension hai muscle pe, us tension ki jo degree hai usko hum log kya kehte hain, preload kehte hain. Cardiac muscle ke case mein iska definition hota hai volume of the blood filled in the ventricles just before the contraction start. Ventricles का contraction start हो उसके just पहले जो volume of the blood होता है ventricles के अंदर उसको हम लोग preload कहते हैं. So basically क्या कौन सा volume of the blood होता है just before the contraction starts? That is end diastolic volume. इसको हम लोग थोड़ा diagram से समझने की कोशिश करते हैं. ये diagram है, सबसे पहले heart जो है इस diagram के अंदर, ये जो heart है यहाँ पे diastolic condition में है, जिसके अंदर heart का क्या हो रहा है, ventricular filling हो रहा है, मतलब blood जो है वो ventricles के अंदर fill हो रहा है और ventricles का relaxation हो रहा है. इसके बाद ventricular filling complete हो जाती है जब, मतलब diastole जब end हो रहा होता है तो diastole के end में जो volume बचता है ventricles में उस volume को end diastolic volume या फिर EDV कहते हैं. और end diastolic volume जब present हो जाता है, जब diastole खत्म हो जाता है तो फिर ventricular contraction start हो जाता है जिसको हम लोग ventricular systolic stage कहते हैं और blood का ejection start होता है. तो preload की basic definition जो थी, जो था volume of the blood filled in the ventricles just before the contraction starts. So contraction start होने के just पहले जो volume of the blood filled था heart के अंदर, जो कि end diastolic volume था, इसको हम लोग preload कहते हैं. So preload is nothing but the end diastolic volume, क्योंकि वही volume of the blood है जो कि ventricular contraction के just पहले कहाँ पे present है, ventricles के अंदर present है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, preload कहते हैं. So this was the basic definition of preload. Now coming to afterload. So पहले preload समझ में आ गया, preload सिर्फ और सिर्फ क्या है, end diastolic volume है. Now coming to afterload. What is afterload? Afterload is the load against which the muscle exerts its contractile force. वो load जिसके against muscle को work करना पड़ रहा है, contractile force लगाना पड़ रहा है, उस load को हम लोग क्या कहते हैं, afterload कहते हैं. या फिर heart के case में aortic pressure against which the muscles must contract. वो प्रेशर जो कि aorta अप्लाई कर रहा है, कौन सा कैसे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, तो aortic walls क्लोज होंगे, उन closed walls को ओपन करने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा. तो वो और वो closed walls भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो वो जो closed walls जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे aortic प्रेशर कहा गया है. तो aortic प्रेशर उसके अगेंस्ट वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ब्लड को इजेक्ट किया जा सके. तो aortic प्रेशर अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द afterload. और ये aortic प्रेशर एक्चुअली में क्या है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्शन को, वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है aortic प्रेशर. जैसे इसको डायग्राम से हम लोग समझे, तो हमने कहा कि aortic प्रेशर अगेंस्ट विच द मसल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो afterload क्या है कि यहाँ पे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो पहले ये वॉल्स क्या थे, क्लोज्ड थे, ये जो aortic एंड pulmonary वॉल्स है ये क्लोज हैं, इसके अगेंस्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है. तो ये जो क्लोज्ड वॉल्स हैं ये रेजिस्ट, यही aortic प्रेशर अप्लाई करते हैं, यही रेजिस्टेंस का काम करते हैं वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो जितना ज्यादा ये रेजिस्टेंस होगा उतना तेज ज्यादा वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, तो वेंट्रिकल्स को उतना ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा. तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज आफ्टरलोड, आफ्टरलोड इज द aortic प्रेशर अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल्स मस्ट कॉन्ट्रैक्ट. इट इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस अप्लाइड टू द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन ऑफ द ब्लड, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा आफ्टरलोड का डेफिनेशन. आफ्टर प्रीलोड एंड आफ्टरलोड हम लोग आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ पे, जिसका नाम है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ. व्हाट इज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ? Greater the end diastolic volume, greater is the end diastolic pressure. जितना ज्यादा end diastolic volume होगा, मतलब diastole के end में जितना ज्यादा ventricles में blood fill होगा, उतना ही ज्यादा end diastolic pressure होगा, उतना ही वो volume of the blood ventricles पे pressure ज्यादा apply कर रहा होगा, उतना ही ज्यादा stretching of the cardiac muscle होगा. जितना ज्यादा pressure apply हो रहा होगा cardiac muscle की walls पे, उतना ही ज्यादा stretching of the cardiac muscle होगा. This increased initial length of the muscle, ये जो stretching की वजह से initial length of the muscle जो increase हुआ है, results in the greater force of contraction, जिसकी वजह से force of contraction बढ़ जाता है within physiological limits. ये पूरा जो definition है ना, यही Frank Starling law state करता है. क्या? This increased initial length of the muscle results in the greater force of contraction within physiological limits. This is the Frank Starling law. That is, increased initial length of the muscle is directly proportional to, that is, increases the force of contraction within the physiological limits. अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. हमने क्या कहा कि Frank Starling law में, हमने कहा Frank Starling law में सबसे पहले क्या होता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमारा जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा एंड डायस्टोलिक प्रेशर होगा, मतलब उतना ज्यादा ये वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा इन वेंट्रिकुलर वॉल्स पे.
जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक प्रेशर होगा उतना ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा कार्डियक मसल का, क्योंकि जितना ज्यादा अंदर की तरफ से प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा वॉल्स पे उतना ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा कार्डियक मसल्स का, उतना ही ज्यादा इंक्रीज इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल होगा। ये जो इंक्रीज इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल होता है, अब यहां से आता है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का एक्चुअल मेन लाइन क्या है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ बस इतना कहता है कि ये जो इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल, जो इंक्रीज इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल होता है, रिजल्ट्स इन ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जितना ज्यादा ये मसल्स की लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब जितना ज्यादा ये जो मसल्स की लेंथ इंक्रीज होगी उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। इसको ये क्या होता है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ होता है। सो यही फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ का बेसिक लाइन था क्या, कि इंक्रीज्ड मसल ऑफ द इंक्रीज्ड इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज्ड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इट वाज कंप्लीटली, ये था फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। और बेसिकली इसको समझने के लिए हम लोग एक बैलून का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर एक बैलून को हम लोग मान लेते हैं हार्ट के वेंट्रिकल्स मान लेते हैं, उसके अंदर फिल्ड एयर को हम लोग फिल्ड ब्लड मान लेते हैं। मान लीजिए बैलून पहले रिलैक्स स्टेट में था, इसमें हमने एयर फिल करना स्टार्ट किया, पूरा का पूरा एयर को फिल कर दिया और हमने उसको एक नॉब से बंद कर दिया। अब जितना ज्यादा एक बार हमने मान लीजिए जितना ज्यादा हम लोग एयर फिल करेंगे इसके अंदर, मतलब जितना ज्यादा ब्लड फिल करेंगे वेंट्रिकल्स के अंदर, उतना ज्यादा ही इस प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा ये प्रेशर अप्लाई करेगा बैलून के वॉल्स के ऊपर, उतना ही ज्यादा एंड डायस्टोलिक प्रेशर होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, उतना ही ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा वॉल्स ऑफ द बैलून का, उतना ही ज्यादा स्ट्रेचिंग होगा वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स का। ये जो इंक्रीज्ड इनिशियल लेंथ ऑफ द वॉल्स ऑफ द बैलून है, इसकी वजह से इसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एयर एस्केप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही वहां पे भी कहते हैं कि जितना ज्यादा फोर्स इंक्रीज्ड इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल होगा उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। व्हाट इज विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स, एक लिमिट के बाद इसमें हम लोग इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते, तो वो जो लिमिट होती है, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ये बैलून रप्चर कर जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि वो जो लिमिट होती है जिसके बाद हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते वेंट्रिकल्स के अंदर, उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल लिमिट कहते हैं। तो ये हम लोग बैलून के थ्रू इस पूरे के पूरे लॉ को हम लोग समझा सकते हैं, विच इज नोन एज फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। अब ये तीनों का एप्लीकेशन हम लोग प्रीलोड आफ्टरलोड और स्ट्रोक वॉल्यूम और प्रीलोड आफ्टरलोड और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को कहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ पे इसका ज्यादा एप्लीकेशन आता है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करने वाले तीन फैक्टर्स होते हैं, दैट आर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स, प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। ये तीन चीजें स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ये सिंपल सी बात है। जितना ज्यादा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, उतना ही ज्यादा ब्लड इजेक्ट होगा और उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज बेसिकली द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इजेक्टेड बाय द ईच वेंट्रिकल्स इन अ मिनट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो जो कि जिसकी नॉर्मल वैल्यू 70 मिलीलीटर होती है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। सेकंड हो जाएगा प्रीलोड। प्रीलोड जो होता है फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है स्ट्रोक वॉल्यूम को, प्रीलोड हमने पढ़ा, प्रीलोड इज नथिंग बट इट्स जस्ट एन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो जितना ज्यादा प्रीलोड होगा उतना ही ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो कि हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में पढ़ा कि जितना ज्यादा हम लोग वॉल्यूम ऑफ द ब्लड डालते हैं उतना ही ज्यादा इनिशियल लेंथ इंक्रीज होता है और उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जितना ज्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा बाय फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, क्यों, क्योंकि इजेक्शन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल्स उतना ज्यादा इजेक्शन होगा, मतलब उतना ज्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। सो अल्टीमेटली प्रीलोड इज डायरेक्टली प्रीलोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। सो जो अल्टीमेट अभी तक का जो इन दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करके, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स और प्रीलोड को इंक्लूड करके जो रिलेशन बनता है वो ये होता है कि प्रीलोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रैक्शन विच इज थ्रू फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्डियक आउटपुट। क्लियर। नाउ थर्ड फैक्टर पे आते हैं हम, जिसका नाम है आफ्टरलोड। Afterload, what is afterload? It is nothing but basically it is aortic pressure or the resistance applied against which the ventricles have to contract. ठीक है ना, तो वो जो अगेंस्ट वो जो रेजिस्टेंस अप्लाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, afterload कहते हैं। It is nothing but aortic pressure. वो जो valves closed थे, aortic valve और pulmonary valves, वो वॉल्स के क्लोजर की वजह से एक aortic pressure अप्लाई हो रहा था जिसके अगेंस्ट किसको वर्क करना पड़ रहा था, ventricles को, उसी को हमने afterload कहा था। तो जितना ज्यादा आफ्टर लोड होगा उतना ही ज्यादा aortic प्रेशर होगा, जितना ज्यादा aortic प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इजेक्शन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा aortic प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा इजेक्शन के लिए और उतना ही कम स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, क्योंकि इजेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है, इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। सो आफ्टर लोड इज बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये कंप्लीटली हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम। ये तीन फैक्टर्स थे जिसको हम लोग को समझना था। इसको समझने के लिए हमें प्रीलोड आफ्टरलोड और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ को समझना था। ये हमने समझ लिया। सो दिस वाज बेसिकली प्रीलोड आफ्टरलोड फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म।